नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि एक पिता जब नहीं मरता, जब उसकी मौत आती है। एक पिता जब मरता है, जब बच्चे उसकी इज्जत को रोंगते हुए आगे बढ़ जाते हैं, वो भी किसी एक अनजान लड़के या लड़की की वजह से, जिसको बोलते हैं दोस्तों मैडनेस ऑफ लव। शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका एक डायलॉग पूरी इंडस्ट्री में फेमस था कि खामोश। पर क्या आपने कभी सोचा था दोस्तों कि उनकी खुद की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की वजह से उनको कभी दूसरों के सामने खुद खामोश होना पड़ेगा? मज़े की बात पता है क्या है दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा के पिता ने अपने चारों बेटों के नाम रखे थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटों का नाम रखा था लव और कुश, और इनके घर का नाम है रामायण। अब आप ही बताओ दोस्तों, ये कैसी रामायण है जहां एक मुसलमान एंट्री ले रहा है, जो कि सोनाक्षी सिन्हा का बॉयफ्रेंड है जहीर इकबाल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपने जो रामायण पढ़ी होगी उसमें ऐसा तो नहीं हुआ होगा। रामायण नाम रखने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, रामायण और राम जैसे संस्कार भी देने होते हैं अपने बच्चों को दोस्तों। अलग धर्म में शादी करने के बाद लड़कियां बोलती हैं कि पापा कोई बात नहीं, वो मेरे धर्म की भी पूजा करेगा पापा। वो तो हमने देख लिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितने हमारे धर्म की पूजा करता है। पहले दो हमारे धर्म की कर रहा है, लेकिन भाई साहब ऐसे सत्यानाश करके पूजा कर रहे हैं कि हमारे धर्म के भगवान को उल्टे हाथों से फूल चढ़ा रहे हैं। और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उस मुसलमान को क्या पता कि हमारे यहाँ कैसे फूल चढ़ाए जाते हैं। वो तो अब ये बेटियाँ जाने जिनके लिए वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे दोस्तों कि हम स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्र देश में रहते हैं, तो हमको हमारा फैसला लेने का पूरा अधिकार है। सोनाक्षी सिन्हा ने फैसला लेकर क्या गलत किया? जब उसको कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तो हाँ दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लें, बस अपने घर का नाम रामायण हटा दें और अपने बच्चों का नाम बदल दें। अरे कम से कम हमारे धर्म की इंसल्ट तो नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोल रहे हैं कि मेरी बेटी एडल्ट है, वो जो फैसला लेना चाहे ले सकती है, उसको पूरा अधिकार है दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि जब शत्रुघ्न सिन्हा को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे दिक्कत क्यों? एक बात समझिए दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा के पास और कोई ऑप्शन बचा है क्या? उनकी बेटी ने उनके पास ये बोलने के अलावा कोई भी ऑप्शन छोड़ा है क्या? शत्रुघ्न सिन्हा तो ये बोलेंगे ही, क्योंकि वो उनकी बेटी जो है, पर वो मेरी बेटी नहीं है, इसलिए मुझे अपना धर्म बचाना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, जो मेरे साथ है, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि अपना धर्म सुरक्षित हो सके दोस्तों। इस तरह बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।